गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज। मैं हो गई हूँ नहा के रेडी। आज हमने ये वाला सूट वेयर किया हुआ है और अभी मंदिर भी साफ़ हो रहा था तो अभी चलते हैं पहले पूजा करने, और उसके बाद से ब्रेकफास्ट भी बनाना है प्लस काम भी लग गया है तो चाय पानी सब कुछ अभी बनाना है मुझे। यहाँ पे जब तक हम पूजा कर रहे थे तब तक हम बोले थे विशाल से कि चलो मंदिर साफ कर दिया जाए। फाइनली ये हमारे घर का मंदिर विशाल साफ कर रहा था, अब हम भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बाकी कॉलिन से साफ होता है तो एकदम साफ हो जाता है। तो अब हमको नाश्ता बनाना है तो ऊपर चलते हैं, और आज हलवा बनाएंगे और उसके बाद से खाना भी बनाना है तो खाना भी बना लेते हैं जल्दी। तो गाइस अभी मैं भी उठ चुका हूँ, और उठते उठते अभी तक तो मनीषा जब तक मंदिर की सफाई कर रही थी तब तक मैं बाहर अपना जो काम वाम है उसका काम करवा रहा था, क्योंकि रेत और ऊपर छत पे टाइल का काम अब शुरू करवाना है तो अभी सारा सामान वामान गिरा हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, काम बहुत ज़्यादा अभी है घर में। तो मैंने सोचा ना कि छत के ऊपर टाइल नहीं लगा हुआ था तो टाइल भी लगवा देता हूँ। बाकी आप देख सकते हो अभी सीमेंट और रेत भी गिरा हुआ है टाइल के लिए, तो सब अभी ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे। इधर स्विमिंग पूल में पूरा पानी भरा हुआ है मस्त, तो आज स्विमिंग पूल में आज नहाने वाले हैं, आज मज़ा आएगा स्विमिंग पूल में नहा करके ठंडा ठंडा। ठीक है, ये ओपन में है ना तो इसका थोड़ा सा ये है कि धूल वगैरह उड़ते उड़ते आ रहा है, लेकिन अभी इसके ऊपर भी अच्छा खासा हम लोग शीट का काम करवा लेंगे तो मस्त हो जाएगा। कुछ भी कहो, एक बात तो है, तब पूरे वाटर पार्क वाटर पूल में कहीं भी नहाओ और अपने घर के स्विमिंग पूल में नहाओ उसकी एक अलग फीलिंग है। तो ये हमारे घर का फर्स्ट फ्लोर का स्विमिंग पूल है जो कि अपने आप में ही एक बहुत मस्त फीलिंग देता है। अपने ये वाला एरिया हाय हाय हाय, यहाँ से क्या हवा चलती है ठंडी साथ वाले सब सारी सब्जियाँ इधर उधर हो गई हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा स्विमिंग पूल ज़रूर बताना, इतना साफ है ना, एकदम क्लीन। ये सामने वाला घर जब मैं गया हुआ था प्रिंस की शादी के लिए तब तक तो भाई इसका नींव हो रहा था, अभी देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया, मस्त लग रहा है ना। अभी और भी ईंट पड़ी हुई है, पता नहीं अभी ईंट का क्या काम है यार, सारा काम तो हो गया लगभग, चलो जो भी है। बाकी अभी टाइल वाइल सब ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ टाइल वाइल अभी ऊपर आने लग गया, सारे सामान देख सकते हो जितने भी है। तो यहाँ फाइनली हमने बना आलू और प्याज का परांठा। हे गाइस, फाइनली नाश्ता तो बन गया, लेकिन अब चलते हैं जल्दी से खाना ही बना लेते हैं और उसके बाद से खूब सारा आज ना वीडियो शूट करके तब डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और आज ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि घर में पूरा काम वाम लगा है, सारा सामान वगैरह चढ़वाना है, छत पे टाइल का काम करवा रहा हूँ एकदम मस्त। आपको छत पे रूफ टॉप रेस्टोरेंट वगैरह भी सब बनेगा मस्त वाला, तो आपको और अच्छा भी आएगा ना वैसा, अच्छा लगेगा। प्लास्टिक के लगवाएंगे ना ऊपर छत पे, लेकिन छत पे सब कलर वलर उड़ जाएगा तब नहीं आएगा, उसका अलग आता है रेस्टोरेंट का, बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम लोग को पार्टी वगैरह करना होगा ना ऊपर ही कर लेंगे, अब बर्थडे पार्टी वगैरह तो बहुत सही रहेगा। अपने घर में सब सुविधा होना चाहिए और अच्छा भी है, ये सारा दिमाग इनका ही है क्योंकि ऐसे रहेगा तो हम लोग का तो इतना सारा पार्टी होता है। हाँ, जब उस टाइप का ग्रैंड पार्टी होगा तब हम लोग कहीं और जाएंगे। बाकी अभी किचन पूरा साफ़ सुथरा हो गया है और अभी हमारे घर में फिर से काम स्टार्ट हो गया है, तो अभी सबके लिए चाय भी बनाना है, दूध वगैरह सब कुछ आ गया है। और आप लोग को एक बार ना पूरा छत पर चल के दिखाएंगे, अभी वैसे काम चल रहा है तो इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं। तो गाइस अभी फाइनली नाश्ता वास्ता हो गया और अभी मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन का ये कुछ कुछ करवाना, तो अभी घर में ना इंटीरियर का काम जब मैं कराऊंगा ना बहुत ज़बरदस्त कराऊंगा, और आप लोग भी देखोगे तो आप लोगों को भी लगेगा यार क्या घर है, क्योंकि मेरे को तो वाकई में बहुत एक एक चीज़ ना मैं सोच सोच करके एक एक चीज़ प्लान कर करके बनाया हुआ है। और अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर ना मतलब जैसे अडेप्टर वगैरह जैसे जो LEDs वगैरह होती हैं उनके कुछ ख़राब हो गई हैं, वो मेरे को शुरू में ही बोला था कि भैया अडेप्टर आप एक्स्ट्रा रखना, तो मैंने एक्स्ट्रा रखा था लेकिन वो सारा यूज़ हो गया। आप इस सोफे का प्राइस बता दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसका प्राइस पूछ रहे थे। भाई ये जो बाहर का सोफ़ा है ना इसका बहुत सारे लोग प्राइस पूछ रहे हैं, तो को मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला सोफ़ा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये सोफा कितने का है? सबसे पहले है इतना मस्त बेड है,
गाइस हम लोग रूम में ना बेड रूम से ज्यादा बेड है सुना, लेकिन ये बेड वहाँ पे क्यों नहीं मिलता है इतना अच्छा? मिलता है क्यों नहीं मिलता है? दुकान में जाके देखोगे तब ना। नहीं ऐसा कॉस्टली मिलता है थोड़ा। वही तो। तो ये वाला सोफा आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन बताना। बाकी यहाँ पे कप होल्डर्स भी रखे हुए हैं, इसके अंदर स्टोरेज है। उठाना छोटू इसको, देखो इसके अंदर स्टोरेज है। मंचा इसमें भी तो तुम कुछ कुछ रख सकती हो। भूल गई थी क्या? दिखता ही नहीं है मेरे को। सही है, यहाँ स्टोरेज चिप्स वगैरह सारा कुछ रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कहाँ मुँह छुपा रहा है इधर तो। चक्कर फिर ये बेड है। तो ये वाला सोफा कितने का था मंचा? ये सोफा था अप्रोक्सीमेटली शायद 40,000 का। तो इसमें ये दोनों भी मिला हुआ था, और ये वाला सेंटर टेबल, वो कप होल्डर्स वाला एक सोफ़ा, बाकी ये लंबा वाला सोफ़ा टू सीटर वाला, ये कॉर्नर सीटिंग, और ये थ्री सीटर वाला। तो 314 इस पे बच्चा बैठ सकता है अगर बैठना हो तो, वैसे ना बैठे तो भी कोई बात नहीं। तो 314, 15, 27 और 29 नाइन सीटर सोफ़ा है आपका। तो अब इसी के बीच मनीषा लेके बैठ चुकी हैं अपना स्प्राउट्स, चना खाएंगे अब। चना ये जो चना होता है ना, ये सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है जब हम इसको मीठा के साथ खाते हैं। लेकिन अभी हम इसको चटपटा थोड़ा बनाएंगे। इसमें प्याज और नींबू, मिर्चा, टमाटर, देख सकते हैं कितना मस्त ये निकला हुआ है। इसको क्या किया था ना, एक दिन फुला के, और इसको बांधे भी नहीं है, ऐसे ही रख दिए हैं ये। वैसे हमको सबसे ज़्यादा ना ये वाला खाने में तब मज़ा आता है जब हम जाते हैं यहाँ से पहाड़ों वाली जगह पे, वहाँ पे बिकता एकदम मस्त टमाटर ये सब डाल के, तो देख के और भी ज़्यादा मन करता है रास्ते में। तो गाइज़ अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी हम लोगों ने कुछ टिकट बुक किया हुआ है किसी मतलब जगह जाने का, मतलब कोई ट्रेन फ्लाइट या बस वस का नहीं, ऐसे ही आस पास में ही। तो आप लोगों को बताऊँगा, वो सरप्राइज़ है, ठीक है? वो आप लोगों को परसों बताऊँगा कि किस चीज़ का टिकट है, क्या है। मजा आएगा बट जो भी है, ठीक है, आप लोग गेस करो। उसमें हम फर्स्ट टाइम जाएंगे। आपका भी तो नहीं, मेरा सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम होगा, सेकंड टाइम तो हम जाएंगे। कॉलेज टाइम पे गए हुए थे पहले। अच्छा, हम जाएंगे गाइस, बहुत अच्छा लगेगा। अब आप लोग क्लब, डिस्को, ये सब जो भी सोचना है सोचो। लेकिन आप लोग शायद नहीं, देखते हैं कौन सोच पाएगा। वैष्णो देवी भी जाएंगे माता रानी के दरबार में, बट देखते हैं उनका बुलावा है कि नहीं, क्योंकि बुलावा के अकॉर्डिंग ही जा सकते हैं ना अपन। अभी घर में काम वाम लगा हुआ है थोड़ा, और इस बार नवरात्र, पिछली बार शायद नवरात्रि में हम यहाँ पे नहीं थे, लेकिन अब जितना भी दिन यहाँ पे रहेंगे उतना दिन एकदम अच्छे से साथ में आरती करेंगे और पूजा पाठ, क्योंकि जब हम लोग रेंट वाले घर पे रहते थे तो इतना अच्छे से पूजा पाठ किए थे ना, डेली सुबह शाम। और मिस्टर राज तो आरती दिखाते 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 हाँ, ये तो रोने लग जाते हैं, इनके आँख से हम देखे आंसू आ जाता है ऐसे आरती दिखाते हैं। तो इस बार तो मंदिर हमारा ऑलरेडी डेकोरेट है, लेकिन और भी अच्छे से इस बार डेकोरेट करेंगे। और मंदिर के लिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि दीदी आप मंदिर के लिए थोड़ा अलग सा प्लेट ये सब कुछ लाओ, कटोरी। तो इस बार ना सब कुछ खरीद के लेके आए हैं, छोटा छोटा कटोरी, जितना कटोरी रहेगा जितने देवी देवता रहेंगे ना उतना ग्लास भी लेके आए हैं, और एक सुंदर सा प्लेट लेके आए हैं ताकि जो दीपक जल। वाह, ये फ्लावर तुम यहाँ रख दियो, अच्छा लग रहा है। और नीचे का लॉबी नहीं, हम लोग गए थे टाइल वाले के घर, उनके दुकान पे, तो यहाँ सीढ़ी के पास ऐसे बनाए थे ना, अंदर फोटो और ऊपर से एकदम मस्त ग्लास जैसा, और पानी का पाइपलाइन है इधर, यहाँ तो फ्लावर जैसा हम लगवा दिए। ठीक है, सो अभी रहने देते हैं, चलते हैं दूसरा आप काम करने, खाना पीना बनाने, और इसी के साथ रहने देते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, प्लंबर का सामान आ गया, खूब सारा शेयर कीजिएगा, और जाते जाते ना सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, लव यू ऑल।